हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज हैरी गिल, एजुकेशन ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी लोगों का आज की क्लिप में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7 मोटिवेशनल बुक्स के बारे में, जो कि बहुत ही आप लोगों को प्रेरणा देने वाली बुक्स हैं, जिसमें आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। 7 मोटिवेशनल बुक्स यू मस्ट स्टडी, जो कि ऐसी किताबें हैं, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत सारी किताबें हैं जो कि आप लोग पढ़ते होंगे अपने स्कूल टाइम में, एकेडमिक आपने बुक्स पढ़ी हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं जो कि आप लोग पढ़ते होंगे। लेकिन ये जो 7 बुक्स हैं, अगर आप इसको जीवन में पढ़ लें और उतार लें अपनी लाइफ में, तो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ 7 बुक्स, वो आप लोगों को 30 साल की एज से पहले ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सी बुक्स हैं। नंबर 1, जीत आपकी, यू कैन विन। आपने नाम सुने होगा इसका, ये लिखी है शिव खेड़ा जी ने, जो कि एक बहुत ही मोटिवेशनल अथर है, बहुत ही बड़े भारत के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने इस किताब को लिखा है। इस किताब में उन्होंने बताया है कि आप जीत सकते हैं, आप अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, और ताकि आप लोग अपने लाइफ में कुछ बनना चाहें तो आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन से भरी हुई ये किताब आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आपको ये मोटिवेशन किताब को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो शिव खेड़ा जी हैं, उन्होंने लगभग 30 साल गुजार दिए इस लेखन में, और उसमें उन्होंने 16 किताबें लिखी, और ये किताब जो मैंने बताई है आपको, जीत आपकी, ये उनकी सबसे फेमस किताब है और भारत में बेस्ट सेलिंग बुक है। और नंबर 2 है रिच डैड पुअर डैड। आपने इसका नाम भी सुना ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड के फेमस एक राइटर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी क्योसाकी, जो कि मोटिवेशनल बुक्स लिखते हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है, और इसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे आप लोग पैसे को कमा सकते हैं, और कैसे आप लोग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, और ज़िंदगी में कैसे सफल बन सकते हैं। इस बुक में उन्होंने 2 डैड की बात करी है। एक उनके खुद के डैड हैं, जो कि ट्रेडिशनल आइडियाज के अनुसार काम करते हैं। दूसरे उसके बेस्ट फ्रेंड के डैड हैं, जो कि आजकल की इनोवेटिव जो भी आइडियाज हैं, जो भी इनोवेटिव लाइफ है, उसके रूल्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और अपने बिजनेस में वो सारे इनोवेटिव और न्यू रूल्स को अपनाकर उस बिजनेस को करते हैं, और वो हवाई के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं। जबकि उनके जो डैड हैं, वो पुराने आइडियाज के साथ में रहते हैं, इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। इस किताब में हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हम लोग नए टेक्नोलॉजी को और नए सिस्टम को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। तीसरी मोटिवेशन बुक है अग्नि की उड़ान, जिसे आप लोग विंग्स ऑफ फायर भी बोलते हैं। यह किताब हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। इस किताब में हमें सीख मिलती है कि कैसे हम लोग छोटे स्तर से बड़े स्तर पर पहुंच सकते हैं, बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। यह किताब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है, जिसमें उनके बचपन से लेकर और राष्ट्रपति बनने के सफ़र को दर्शाया गया है। इस किताब के 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में पहले भाग में उनके बचपन के दोस्तों, परिवार और अध्यापकों के बारे में वर्णन किया गया है, और दूसरे पार्ट में उनके विज्ञान और रिसर्च के जीवन पर वर्णन किया गया है, प्रकाश डाला गया है। तीसरे भाग में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम और सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रतिभा के बारे में दर्शाया गया है। चौथे पार्ट में भारतीय रक्षा मंत्री के सबसे बड़े वैज्ञानिक सलाहकार और राष्ट्रपति बनने तक के सफ़र को दर्शाया गया है, उस पर प्रकाश डाला गया है। यह एक बहुत ही मोटिवेशनल किताब है, भारत नहीं, भारत से बाहर भी कई सारे देशों में इसको पढ़ा जा चुका है। आप लोग भी इसको पढ़कर और राष्ट्रपति के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। नंबर 4, पावर थिंकिंग। यह किताब हमारे देश के एक बहुत ही बड़े मोटिवेशन स्पीकर डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने बताया है कि सकारात्मक सोच से बढ़कर पावर थिंकिंग होती है। हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग को सब कुछ मानते हैं, बल्कि यहाँ पर अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो आप लोगों को पावर थिंकिंग के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपनी सोच में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी के साथ साथ में पावर भी लेके आनी होगी। तो आप लोगों की पावर जितनी ज़्यादा होगी सोच में, उतने ही एक्शन के साथ में आप अच्छे से अपने काम को कंप्लीट कर पाएंगे और फिनिश कर पाएंगे। और 5वीं किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, यह है डेविड जे शॉर्टेज के द्वारा लिखी गई है। यह किताब भी बहुत अच्छी किताब है, इसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छी सीख मिलती है।
इसमें बताया गया है कि सकारात्मक सोच से ही सब कुछ नहीं होता है, हम लोगों को बड़ा भी सोचना होगा। अगर हम जितना बड़ा सोचेंगे और बड़े सोच के साथ में काम को स्टार्ट करेंगे, उतना ही बड़ा जादू मतलब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और जितने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उतना ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ी सोच का बड़ा जादू चलता है, और आप लोग भी इस किताब को पढ़ सकते हैं और इसमें जादुई जो सीक्रेट्स हैं उसको सीख सकते हैं। और जो छठी किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वह है जैसा तुम सोचते हो। ये लिखी गई है जेम्स एलन के द्वारा। इसमें उन्होंने बताया है कैसे आपके विचार आपका व्यवहार बन जाते हैं और कैसे आपका व्यवहार आपके काम में परिवर्तन लेके आता है, चेंजेस लेके आता है। तो सबसे पहले अपने विचारों को अच्छा करना है और उसके बाद में फिर वो व्यवहार बन जाएंगे, तो उसके बाद व्यवहार को कामयाब बनाना है और आप लोगों को कामयाबी 100% मिलेगी। और जो सातवीं सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो कि आप लोगों को पढ़नी ही चाहिए, वो है सोचिए और अमीर बनिए। इसको लिखा है नेपोलियन हिल ने, जो कि बहुत ही फेमस एक मोटिवेशनल राइटर हैं और स्पीकर भी हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आप कैसे इस सोच कर और एक बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। सोचना क्या है, जो कि जरूरी सोच है, जो कि आपकी टेक्निक्स हैं और स्किल्स हैं जो कि आपको अपने बिजनेस में अपनानी चाहिए, उसको आपको यहाँ पर सोचना है, और उसको सोचने के बाद में आप लोग उसको अपनाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। क्या जरूरी सोच होनी चाहिए, और इस किताब में और धन कमाने के सीक्रेट्स को भी बताया गया है। इन सीक्रेट्स को आप लोग फॉलो करके अपने जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सात किताबें आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी है। आज डिसाइड कर लीजिए, जो भी आप पहले किताब मंगवा कर पढ़ सकते हैं, जो अगर आपके घर में इन किताबों में से कोई किताब रखी हुई है उसे अभी उठाइए और पढ़ डालिए, और ज़िंदगी में कुछ सीख कर आगे बढ़िए। क्योंकि जितनी देर तक आप सीखते रहेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीत उसी की होती है जो लगातार सीखता रहता है, और सीखने वाले कभी भी हारते नहीं हैं। जो सीख जाता है वो जीत जाता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। तो इस मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें।